खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। गुना, मुस्लिम समाज गुना के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मॉब लिंचिंग के आरोपियों को सजा देने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई है। वहीं हाल ही में झारखंड में हुई ब्लीचिंग के मृतक तबरेज अंसारी की विधवा को उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की मांग मुस्लिम समाज गुना ने उठाई है। हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जिला कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ब्लीचिंग के मामले में कड़ा कानून बनाने की मांग की है। इतने लोग जो प्रदर्शन देश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं, मुसलमानों को, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को टोपी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, दाढ़ी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। और झारखंड में जैसा कि आपको पता है कि इतनी निंदनीय घटना इस देश में आपको देखने को मिली है। आज से 4 से 5 साल पहले से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि दाढ़ी टोपी वालों को कभी ट्रेन से फेंक दिया जाता है और कभी पेड़ से बांध कर मार दिया जाता है, कभी दलितों को मार दिया जाता है। इस तरीके का वातावरण इस देश में जो चल रहा है, उसके खिलाफ, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, भीड़ तंत्र के खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। और जो तबरेज अंसारी को जो मारा गया है वहाँ पर, उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए और दूसरा उसके जो दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। खबर समय जगत के लिए गुना से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।